हाँ जी, वेलकम। आज हम आपको पोर्ट्रेट बनाना सिखा रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपको सिखाया था पोर्ट्रेट स्टडी के अंदर कि किस तरह से ओवल शेप बनाते हैं, ये सिखाया था हमने आपको पोर्ट्रेट स्टडी पार्ट वन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आईज़, नोज़, लिप्स, ईयर, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सक चुका हूँ पोर्ट्रेट स्टडी पार्ट 1, 2, 3, 4 में। आज मैं आपको पूरा फेस, यानी आईज, नोज, लिप्स, ईयर, इन सबको असेंबल करके एक फेस कैसे बनाते हैं इस पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने, देखिए यहाँ पे एक सर्कल लिया है, सर्कल का सेंटर लाइन इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लेफ्ट से इसको कर्व दे के नीचे लाएंगे, राइट से कर्व दे के नीचे लाएंगे। उसके बाद इस पूरी लाइन का सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ पर आइज बनती है, यहाँ से यहाँ का सेंटर लगभग, यहाँ पे नोज बनता है, यहाँ पर नोज़ बनेगा, यहाँ से यहाँ का सेंटर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे लिप्स बनता है, ठीक है। लिप्स की जो सेंटर लाइन होती है वो बनाई जाती है इधर, ठीक है। तो ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ऐसा ही यहाँ पर भी हमने एक सर्कल लिया है, फिर सेंटर लाइन लिया है, और सेम इसी तरीके से एक ओवल शेप लिया है। अब यहाँ पर जैसा कि आइज़ बनाई जाती है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, इस जगह पर आइज बनाते हैं, ये आईब्रो करके दिखा रहे हैं हम आपको पहले। यहाँ पर आईब्रो होती है इस लाइन के ऊपर, ये देखिए, ये आईब्रो बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं इस समय ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, आप पहले पेंसिल से कीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा, जिससे कोई मिस्टेक हो तो आप उसे ठीक कर सकें। अब इसके ठीक नीचे यहाँ पर, यहाँ से इधर इस जगह पर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और उसके ऊपर आइज बनाएंगे आप, ठीक है। ये देखिए, आइज बनाना हमने पहले आपको सिखाया है पार्ट 1, 2, 3, 4, उनके अंदर आपको जाके देखना होगा, वहाँ से आप देख करके आइज बनाना सीख सकते हैं। ये आई बॉल इसका इस तरह से, ये देखिए आइज बना ली हमने। सेम टू सेम ऐसे की ऐसी आइज आपको यहाँ बनानी है, फ्रंट फेस की है, दोनों तरफ सेम साइज की बनेगी आइज। कोशिश कीजिए बिल्कुल सेम साइज़ की बना ले आप, तभी अच्छी लगेगी। आई बोल लीजिए, ये भी हो गया। अब यहाँ पर इस जगह पर मैंने आपको बताया था नोज़, तो ये नोज़ बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लेफ्ट से, राइट से, यहाँ पे लिप्स, ये लिप्स की सेंटर लाइन है, इसके ऊपर और नीचे लिप्स बनेगा, तो एक लिप्स ऊपर बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से, और एक लिप्स इसके नीचे बनाएंगे हम। नीचे वाला लिप्स जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है, ऊपर वाला लिप्स थोड़ा सा पतला होता है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे नोज़ बनाई है हमने, ठीक है, इस तरह से इधर नोज बनाएंगे। अब देखिए कान कहाँ पर बनाएंगे, ईयर जो है आईब्रो से लेकर नोज तक, इसके बीच में कान बनाया जाता है। तो जो ओवल शेप हमने लिया था उसी के नज़दीक, यानी कि इस जगह पर मैं कान बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसलिए पास में ड्रॉ कर रखा है हमने, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं सर। ये लीजिए, इसके अंदर भी थोड़ा सा डार्कनेस दे देते हैं अपन, ये सेंटर में डॉट रहेगा, ये लीजिए, ठीक है। और सेम ऐसा ही कान आपको इस तरफ भी बनाना है, सेम इसी जगह पर, लीजिए ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके फेस की आउटलाइन लेंगे, आउटलाइन लेना थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इस तरह से। पहले मैंने राइट साइड का लिया है, फिर लेफ्ट का ले रहा हूँ। कोशिश कीजिए दोनों तरफ से इक्वल आए, ये लेफ्ट से और राइट से डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, नोज के लेफ्ट से और राइट से डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए। फ्रंट फेस बना रहे हैं। अब आईब्रो से इधर ऊपर, यहाँ से हमने ये एक डॉट लगाया, और ये देखिए ये बाल बना रहे हैं हम इसके, हेयर स्टाइल।
ठीक है, जितना इधर था उतना इधर लिया है, यहाँ से भी आप ऐसे ले आइए। अब इससे ऊपर यहाँ पर ये जो सर्कल है, इससे थोड़ा ऊपर और इससे थोड़ा नीचे, इससे ऊपर ले रहा हूँ अभी मैं, इससे बाल ऊपर भी रहते हैं और इससे बाल नीचे भी रहते हैं। ये रहा वो सर्कल, इस सर्कल से ऊपर भी है बाल और नीचे भी है। देखिए कैसे कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिएगा नज़र आ रहा होगा आपको। ये फ्रंट फेस मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, इसके बाद साइड फेस भी सिखाऊंगा अगले एपिसोड में आपको। नेक्स्ट जो हम इसका वीडियो आपको डालेंगे यूट्यूब पे, उसमें आप और निफ्ट एनएडी नाटा से रिलेटेड अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं निफ्ट एनएडी नाटा एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लीजिए ये फेस लगभग तैयार है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसके बाल वगैरह बनाऊंगा, देखिएगा ब्लैक पेन से कर रहा हूँ। जिस तरह से हम कंघी करते हैं उसी तरह से हमें ये पेन चलाना होगा इसमें। ये देखिए, ये पहले मैं पेन से कर रहा हूँ, फिर अभी पेंसिल से भी करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको पेंसिल से लाइट एंड शेड थोड़ा सा बताऊंगा। 8B ड्राइंग पेंसिल है मेरे पास इस समय। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, इसे पूरे अच्छे फोर्स के साथ आपको ये पेंसिल चलानी है, अच्छे से पूरा हैचिंग टेक्निक में पेंसिल चला रहे हैं हम। थोड़ा थोड़ा बीच में लाइट भी छोड़ना है, लाइट इफेक्ट भी रखना है, और जिस तरह से हम कंघी करते हैं बालों में उसी तरह से आपको पेंसिल को थ्रो करना है, उसे चलाना है, उसको लाइट एंड शेड देना है। ठीक है, इसको ऐसे कलर भरते हैं वैसे नहीं करना है, नहीं तो फिर वो सारा ही ब्लैक हो जाएगा, वो सुंदर नहीं लगेगा पिक्चर आपका। अब इस तरफ का करके दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये हो गया। अब इसकी आईज के पास में थोड़ा लाइट एंड शेड दे रहा हूँ मैं, आंखों के पास में, ये देखिए इधर भी दे रहा हूँ, लिप्स के पास में नीचे की तरफ। लिप्स के पास इधर भी शेडिंग रहेगी थोड़ी सी, यहाँ पर भी रहेगी थोड़ी लाइट एंड शेड, यहाँ पर भी रहेगी, और फेस में दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा डार्कनेस रहेगा। फाइल को आप घुमा सकते हैं काम करते समय, ज़रूरी नहीं है कि फाइल को सीधा रखे रखे ही आप काम करें, फाइल को आप टर्न दे सकते हैं, तभी आपका हाथ ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ये मैंने इधर भी किया है, डार्कनेस थोड़ी गर्दन के नीचे भी दे रहे हैं, ये कॉलर में इस तरफ नीचे की तरफ से। ठीक है, हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्सिंग टूल से करके दिखा देते हैं आपको, कंप्लीट हो जाएगा पिक्चर। 2 मिनट रुकिए आप, देखिएगा बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है मिक्सिंग टूल, अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर दिया तो फिर सब जगह ब्लैक ही ब्लैक नज़र आएगा। बहुत ही हल्के हाथ से, और ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, पोर्ट्रेट का बेसिक स्टडी है। जिन बच्चों को बिल्कुल ही बनाना नहीं आता है पोर्ट्रेट, वो इस समय सीख सकते हैं कि कैसे करना चाहिए हमें। लर्निंग स्टेज पर आपको बताया जा रहा है ये पोर्ट्रेट स्टडी।
ये देखिए फाइल को तो आपको घुमाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे उसमें काम। ओके, फाइल को आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा टर्न देना ही होगा। मिक्सिंग टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है इस तरह की पिक्चर्स को बनाने में। और ये देखिए नोज के पास से लाइट एंड शेड देते हुए यहाँ से भी, यहाँ से ये लाइट एंड शेड नोज से आईज के नीचे की तरफ चली जाएगी, आईब्रो के अंदर आप दे सकते हैं। इस आईब्रो के इसके अंदर भी दीजिएगा, आईबॉल के अंदर, आईज के नीचे भी, आईज के ऊपर भी थोड़ी सी इस तरह से करेंगे। लिप्स के अंदर करके दिखा रहा हूँ, लिप्स में नीचे से डार्क ऊपर से लाइट, नोज के पास नीचे की तरफ डार्कनेस, ये देखिएगा इस तरह से। गर्दन के पास नीचे थोड़ी शेडो देते हुए, बहुत ही आसान तरीके से, ये देखिए आप, बस 2 मिनट में कंप्लीट हो रही है आपकी ये पिक्चर। सिर्फ 2 मिनट में पिक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्हें पोर्ट्रेट बनाना बिल्कुल नहीं आता है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये पिक्चर लगभग आपकी कंप्लीट है, इस तरह से आपको करना होगा। मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसके आईब्रो के अंदर थोड़ी सी डार्कनेस और दे दीजिएगा, यहाँ पर डार्कनेस दे दीजिएगा, और लीजिए लगभग कंप्लीट है ये। ठीक है, इस तरह से आपको ये पोर्ट्रेट बनाना है। पोर्ट्रेट स्टडी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे आप देखेंगे तो आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे उसमें से देख करके। तो वो सारे पार्ट आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।